अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। जी हमारे घर पे आ चुके हैं बहुत सारे कार्टन और ये कार्टन की पैकिंग हो रही है और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अच्छा जी, ये उस दिन काटन जो है बन रहे थे और आज मैंने काम शुरू कर दिया है। ऐसा ऐसा ही सारा कुछ होगा। और ये काटन पैक हो रहा है आशा और इनाया के कपड़ों का, और आशा इनाया के कपड़ों का ये काटन कहाँ जा रहा है ये मैं आप लोगों को आगे आगे थोड़ी देर में बताती हूँ। अच्छा जी, ये कार्टन तो मेरा फुल हो चुका है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना फुल कार्टन कहाँ जा रहा है। आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सवालात आ रहे होंगे, तो उन सवालातों का जवाब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। ये जा रहा है आशा इनाया की नानी के घर। ये कार्टन मेरा अनकरीब ही जल्दी ही जो है चक्कर लगने वाला है जिद्दा का, और ये जाएगा हमारे साथ गाड़ी में। ये यूज़ होने वाले कपड़े हैं वहाँ पे, जो कि ये रहेगा वहीं पे ताकि आराम से इजीली बच्चे जो है कपड़े पहन सकें। वहाँ पे एक काटन होना चाहिए मेरे पास वहाँ पे। तो आप लोगों के सवाल, आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा क्या इतना अपनी अम्मी के घर इतना लंबा जा रही है आशा इनाया, अपनी नानों के यहाँ इतना लंबा रहने के लिए जा रही हैं जो इतना काटन भर के जा रही है कपड़ों का। यकीनन ऐसा ही है। हर दफ़ा मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ, अपनी मेरी वहाँ पे मदर इन लॉ भी हैं, मेरा पूरा ससुराल है वहाँ पे और जद्दा में ही हमारे हैं सब वहाँ पे अपने। और यहाँ पे भी आप लोग हो, जाहिर सी बात है सिर्फ। और आप लोगों को ये बता दूं कि जी नानी के घर तो रहने जा रहे हैं, लेकिन इतना लंबा नानी के घर नहीं रहेंगी। यानी कि कुछ दिन मेरे मदर इन लॉ के घर पे भी मेरे गुजरेंगे दिन और कुछ अम्मी के घर भी गुजरेंगे। और इसी के साथ साथ हम जो है आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ ताकि आगे जो भी लोग आएंगे वो उनमें भी आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हम लोग असल में हो रहे हैं यहाँ से मूव रियाद से। काफ़ी 3-4 दिन से दिल बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास इसलिए था कि यहाँ पे हमें 5 ईयर हो चुके हैं रियाद में और हमने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ गुजारा। काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, फ्रेंड्स बने, कुछ अच्छे और यहाँ पे अच्छे घर भी मिले। अच्छा यानी कि टाइम गुजरा है यहाँ पे। और एंड ये हुआ है कि हवाई रोज़ी आप लोगों को पता है कंपनी के जो काम होते हैं, परदेश की जो लाइफ है और परदेश की जो नौकरी है वो हवाई रोज़ी ही है। हवाई रोज़ी ही कहा जाता है, कहा जाएगा इसको कि कुछ पता नहीं है कहाँ दाना पानी ख़त्म हो जाए और कहाँ दाना पानी शुरू हो जाए। बस यही है कि समझ लें कि अब हमारा जो रिस्क है, जो अब हमारा जो दाना पानी लिखा है वो यहाँ से ख़त्म हो रहा है और जद्दा में अब शुरू होगा। यस जद्दा वालों, आई एम कमिंग। यकीनन मेरी ऑल फैमिली सुन के तो ये बहुत ज़्यादा खुश होगी। यहाँ तक कि अगर इनकी नानी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी। और जो आगे अच्छा जी, अब ये जो है अब यही होगा कि ऐसा ऐसा पैकिंग भी होगी क्योंकि जो क्लोथ्स हैं सारे वो मैं ख़ुद ही पैक करूँगी काटन में ऐसा ऐसा। और जो मेरे यूज़ होने वाला काटन है और ये बच्चों का काटन और अदील के कपड़ों का काटन, वो 3-4 जो काटन बनेंगे वो हमारे पहले ही पहुंच जाएंगे हमारी फैमिलीज़ के पास। और बाकी जो हैं सामान वो तो ज़ाहिर सी बात है शिफ्ट ही करवाएंगे। बहुत बड़ा जो ट्रक होता है वही करवाएंगे। और क्योंकि ये हालांकि हमने जिनको बुक किया है वो यही कह रहे थे कि ऑल सामान, क्लोथ्स भी, बर्तन, A to Z हम ही पैक करेंगे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती क्योंकि बच्चों का साथ है तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो प्लान है आगे का काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी हमने घर भी नहीं ढूँढा, क्योंकि जहाँ बच्चों का फ्यूचर होगा, जहाँ हमारा फ्यूचर होगा, जहाँ जिसकी वजह से हम अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ के बैठे हुए हैं रोज़ी के लिए, नौकरी के लिए, तो वो जहाँ जहाँ अच्छी ऑफ़र्स आएंगी वो एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह ताला का जो फ़ैसला होगा उसको कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आगे वाले जो भी लोग आएंगे वो मेरे ऐसे ही आएंगे कि शिफ्टिंग में, पैकिंग में, हबड़ा दबड़ी में आएंगे। अब जो है ना, अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि अभी मुझे जो है यहाँ पे 5 महीने ही हुए थे शिफ्ट हुए हुए इस घर में, और इस घर से काफ़ी दिल लग गया था मेरा, काफ़ी दिल लग गया था। ये तो आप लोगों को मेरे पिछले भी लोगों में दिख भी रहा होगा, रगड़ रगड़ के मैंने सफाइयाँ भी की और ये पेंट वेंट, चेंजिंग वेंजिंग, इस घर को सजाया मैंने हर घर को ही सजाया है, जिस घर में रही हूँ हर घर को दिल खोल के सजाया है मैंने। और अब यही होगा कि अब चलो कोई नहीं, जहाँ रहेंगे अच्छे से रहेंगे, अच्छे हालात में रहेंगे। हेल्प करनी है मेरी, आगे बहुत काम रखा है बेटा। अभी तो मैं सिर्फ ये पैक कर रही हूँ, आप लोगों के कपड़े जो यूज़ होने वाले हैं ये नानी के घर और दादी के घर पहुँचेंगे। आगे जो अभी कार्टन वगैरह, सामान वगैरह बेटा अभी पैक होने हैं, अभी बहुत सारा काम है हमारा। अभी इंशाल्लाह अब जद्दा का जो घर होगा उसको सजाएंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको साफ करेंगे। यस, अब कोई बात नहीं बेटा, यही होती है परदेश की लाइफ। और जहाँ जहाँ दाना पानी होगा जाएंगे। और अभी तो यही सिर्फ पैक हुआ है, क्योंकि आदिल साहब ने मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा अपना करो जो भी करना है, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि सामान कौन सा कहाँ रखना है, क्या कौन सा कैसे करना है। काफ़ी दिमाग तो, माइंड तो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। वहाँ जद्दा में अपने हैं सारे, पूरी फैमिलीज़ हैं, इनकी दादी और इनकी नानी। मेन चीज़ है कि बच्चों को नानी दादी का प्यार जो है यहाँ पे भी मिलता था। यहाँ पे दादी रह के गई हमारे घर पे, अब तो दादी बिल्कुल पास होंगी और नानी भी बिल्कुल पास होंगी। और यस, दादी को भी करती हो आप? और हाँ जी, मैं भी। और एक फुप्पो यहाँ है जिनको हम छोड़ के जाएंगे, मिलते रहेंगे, और एक फुप्पो वहाँ है छोटी वाली जी। मेरी 2 ही नंदे हैं और दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। चाचू हैं, हाँ 2 चाचू हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले। हाँ जी, एक ताया अबू हैं बड़े वाले, और एक हैं छोटे चाचू, वो तो गसीम में रहते हैं और वो भी आते रहते हैं जद्दा में। और इस तरह फैमिली भी, आशा इनाया की जो फैमिली है पूरी, वो आप लोगों को मिलती दिखती रहेगी वहाँ पे। यस, और बस। और मेरी 5 बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स भी हैं वहाँ पे, मेरे 2 भाई हैं वहाँ पे, सिस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा। सब पूरी फैमिली खुश होगी ये सुन के कि हमारी तैयारी हो चुकी है पक्की वाली अब। क्योंकि सबको ही पता था कि हम परेशान चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं। खुशी हो रही है? यस, खुशी वहाँ तो कैसे नहीं होगी बेटा, वहाँ सब अपने हैं, वहाँ सारी फैमिली है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, जिनको छोड़ने के वक्त मेरा दिल जो है ना, और मेन चीज़ मेरी जो यहाँ पे नंद है उसके साथ मैं काफ़ी क्लोज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्या अभी भी हूँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी सी मेरी एक नंद है जिसने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ पे। ज़ैनब के टाइम पे मेरी आशा इनाया को संभालना, मैं जब हॉस्पिटल थी तो उस वक़्त भी उसने मेरा काफ़ी साथ दिया, मैंने उसका दिया, उसने मेरा दिया। बस ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला। और उससे दूर जाने का सबसे बड़ा गम है मुझे, उससे दूर जाने का सबसे जो मेरा दिमाग मेरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है सिर्फ उसी की वजह से। और उसके बच्चे और मेरे बच्चे हम उम्र थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी है फातिमा अली दुआ को जी। उनको छोड़ने की सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है। कोई नहीं, वो भी जद्दा आती रहेगी इंशाल्लाह, मिलती रहेगी। बेस्ट फ्रेंड थी क्या बेटा? अभी भी है, आएंगे वो लोग, जद्दा भी आएंगे और हमारे भी यहाँ पे चक्कर लगते रहेंगे इंशाल्लाह रियाद में। यही थोड़ी के हमेशा हमेशा के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रिप लगते रहेंगे। यस यस, मिस तो बेटा करना ही करना है, क्योंकि आनी ने हमारा, आनी का और हमारा साथ बहुत अच्छा रहा और वो काफ़ी अरसा रहा, लंबा रहा। बहुत अच्छी है मेरी वो नंद, जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है। छोटी वाली भी बहुत अच्छी है। अब क्योंकि कुछ फ्लैट्स हमारे पाइपलाइन में भी हैं और कुछ हमने लाइव भी जाके देखने हैं, वहाँ पे मैं किस तरह का घर ले रही हूँ और वहाँ कैसे रेंट चल रहे हैं। मैं अपडेट करती रहूँगी अपने व्लॉग को और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिलता रहे मैं कैसा घर ले रही हूँ, कितने रूम और किस एरिए में और किस स्टाइल का घर मिलता है। और इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हो रही है मुझे और आदिल को, इनके स्कूल, इसके इन बच्चों के स्कूल की चेंज होने की टेंशन हो रही है कि इनका स्कूल भी सर्च करना होगा हमें कि कौन से स्कूल में, तो वहाँ पे भी स्कूल काफ़ी सर्च करने पड़ेंगे हमें और डिसाइड भी करना पड़ेगा कि बच्चों को कहाँ डालें कहाँ नहीं, क्या है क्या नहीं। अभी तो मुझे जो है शिफ्टिंग में यानी कि जुलाई की एंड तक ही होगी मेरी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से और खैर के साथ।